कृष्ण नंदी मेरी चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 1 सितंबर है, आज सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है या नहीं उसके बारे में हियरिंग होने वाली थी। सेंटर ने अपना जवाब रखना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक्चुअल में मॉरेटोरियम के फेवर में उनका क्या जवाब है, पीआईएल के सामने उनकी क्या आर्ग्यूमेंट है, उनके क्या पॉइंट है, वो आज बताने वाले थे। दोस्तों आज ये हियरिंग हुई है, ये हियरिंग में इन्होंने क्या बताया है ये जानने के लिए दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइए। दोस्तों फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड और वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरबीआई की तरफ से उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया था लोन मॉरेटोरियम के अगेंस्ट में। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि अभी तक आपने ये पीआईएल के खिलाफ अपनी कोई आर्ग्यूमेंट है वो दर्ज नहीं की है। ये आर्ग्यूमेंट उनकी क्या है वो जानने के लिए दोस्तों आज तुषार मेहता ने फाइनल अपना आर्ग्यूमेंट ये रखा है सेंटर और आरबीआई की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटी है वो 2 साल तक और मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन खास जो डिस्ट्रेस्ड जिनके ऊपर बहुत सारे अफेक्ट हुआ है ऐसे खास सेक्टर्स के लिए ही, लेकिन ये खास सेक्टर कौन से है उनके लिए वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में यही कहा कि पिछले 3 हियरिंग से आप इसी के बारे में वर्कआउट कर रहे हैं, फाइनल जवाब आपका क्या है और आप एक्चुअल में मॉरेटोरियम है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और जो भी स्ट्रेसफुल सेक्टर्स है उनके बारे में कब तक वर्कआउट कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने कल का सुप्रीम कोर्ट ने वेनसडे मॉर्निंग का फिर से टाइम लिया है। दोस्तों आज 1 सितंबर हो चुकी है, 31 अगस्त को ऑलरेडी मॉरेटोरियम है वो एक्सपायर हो चुका है। बहुत सारे, मैं तो कहूंगा मेजोरिटी 85-90% ऐसे कस्टमर्स है जिनको आज ईएमआई हिट होने का मैसेज आ चुका है, या 1 सितंबर जिनकी ईएमआई की डेट है वो ईएमआई उनका ऑलरेडी हिट हो चुका होगा। अभी तक अगर इसकी हियरिंग नहीं हो पा रही है और डे बाय डे इसका डिले हो रहा है तो मुझे नहीं पता चल रहा कि इसका एक्चुअल में रीजन क्या है। खैर जो भी हो, कल वेनसडे का सुबह का फिर से मॉर्निंग में हियरिंग का इसका टाइम इन्होंने दिया हुआ है। वी होप सो कि जो भी रिजल्ट आए वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिचुएशन को मेजरमेंट करके उसके बाद ही उसका रिजल्ट आया है। ये बात तो सही है कि बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है और ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो फिलहाल अभी भी ईएमआई भरने की कैपेसिटी में नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कह दिया है कि उनकी और 2 साल तक एक्सटेंड करने की कैपेसिटी है तो मेरे ख्याल से एक मॉरेटोरियम, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बात रिपीट की थी वही बात फिर से आपसे रिपीट करना चाहूंगा, एक मॉरेटोरियम पॉसिबल है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइए, फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।